हाँ तो दोस्तों मैं जिम जा रहा हूँ अभी, और अभी आपको दिखाता हूँ। जाएगा तो ये है अपना जिम, ये अपना जिम है। पांडे जी पानी की बोतल देना, एक विमल देना। आया हुआ हूँ आज गुड़गांव अभी, और सुबह से सही बताऊँ लिटरली हालत ख़राब हो गई है पैरों की। सुबह जिम गया, जैसे कि आपको पता ही है कितने बजे उठाऊँ, 7 बजे उठा था, 7 बजे मतलब जिम गया था मैं, और वहाँ से सीधा मैं आ गया घर पे, और घर से सीधा गुड़गांव किसी काम से। तो क्या था, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ जिम से घर आने के बाद आधे पौने घंटे की नींद ले लेता हूँ, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा आराम मिल जाता है। और लिटरली बताऊँ बहुत ज़्यादा ही थकान हो रही है आज तो, बहुत ज़्यादा, ना मैंने आराम किया ना कुछ किया, और सुबह से एक बूंद पानी तक का नहीं पिया। अब आपके सामने मैंने पानी पिया है, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है और बहुत थकान महसूस हो रही है इस वक्त तो मेरे को बहुत ज़्यादा। और आज मैंने थाइस भी मारी थी, इस चक्कर में भी बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा पैरों में। अब थोड़ी देर में निकलूँगा मैं घर के लिए, और फिर आपको बताता हूँ एक आधी एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा करी थी मैंने। और भाई सुबह से तो कुछ खाया भी नहीं है मैंने, और अब यहाँ आसपास मेरे को कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ आसपास तो मुझे कुछ ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा कि मैं खा सकूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा खाऊँगा फिर मेरी डाइटिंग ख़राब हो जाएगी। मेरे को अभी तक तो कुछ नज़र आ नहीं रहा ऐसा, बाकी देखता हूँ अगर कुछ मिलता है तो दिखाऊँगा आपको भी कि मैं क्या खा रहा हूँ। पूरी बोतल गर्म कर दी है मैंने, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैं बता दूँ आपको कि मैं यहाँ गुड़गांव आया हूँ अपनी मम्मी के साथ, और मैं यहाँ ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मम्मी को देखो ज़्यादा खास पसंद है नहीं, और उनको समझ में भी नहीं आती है ब्लॉगिंग वगैरह, और इसलिए मैं अकेले में बना रहा हूँ, और घर पे भी मैं ज़्यादातर अकेले में ही बनाता हूँ। अब धीरे 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 जब आप लोगों का साथ मिलेगा धीरे धीरे, और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे लाइक्स बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। तो ये कंडीशन है अभी मेरी, मुझे बताना आप कि जो फ़ोन से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो फ़ोन से मैं व्लॉग करता हूँ ये फ़ोन का कैमरा बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा पता ही नहीं चलता कि मैं फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ या कैमरे से व्लॉग कर रहा हूँ। बस थोड़ी फोकस प्रॉब्लम होती है जो कि DSLR में परफेक्ट होती है, इसमें नहीं है। वैसे कैमरा तो ये भी बढ़िया लग रहा है मुझे फ़ोन का, क्योंकि इसमें क्लैरिटी बहुत अच्छी है, और पता भी नहीं चलता, ये फील ही नहीं होता कि कैमरे से व्लॉग कर रहा हूँ मैं फ़ोन के कैमरे से, ऐसा लगता है कि DSLR ही है। बस थोड़ी फोकस जो होता है कि DSLR में आप फोकस होते हो बैकग्राउंड ब्लर हो जाता थोड़ा, तो वो चीज़ इसमें नहीं है बस। वैसे एक चीज़ का मुझे बहुत मज़ा आया कि ऑटो की राइड मैंने बहुत टाइम बाद ली है, सो मुझे याद नहीं है कि मैंने कब ऑटो पे बैठ के घूमा था, लेकिन आज ऑटो में बैठा तो मज़ा आ गया। और
इतनी प्लेन सड़कें हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं, तो इसमें तो ऑटो में बैठे रहो, घूमते रहो, पूरी दिल्ली मज़ा आ जाता है, मतलब मज़ा आ जाएगा। बोतल पूरी ख़त्म कर दी और अभी भी प्यास बुझी नहीं है। अब डस्टबिन तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन कहाँ फेंकूँ? ये पार्क में खड़ा हूँ वैसे तो, मैं पार्क में गंदगी भी है, सोच रहा हूँ यहीं फेंक दूँ, लेकिन हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। आप लोग गवाह हो इस चीज़ के, उस जगह उस पार में खड़ा हुआ था और वहाँ से यहाँ आया हूँ मैं सिर्फ डस्टबिन में बोतल फेंकने के लिए, तो साफ सुथरा रखने के लिए। बर्गर ही खाना पड़ रहा है। अब घर पे आए और पूरे रास्ते सोता हुआ आया हूँ मेट्रो के अंदर, और अब तो ताकत बिल्कुल नहीं बची है बात करने की, अब सीधा सोऊंगा। लेकिन मैं थका हूँ, आप नहीं थके। लाइक सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, और सबसे सब्सक्राइब कराना। टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर।